हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिलेक्शन मेंटर। और मैं अंकुर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूँ यहाँ पे। और ये जो वीडियो है ये फुल शॉर्ट एकदम रेलवे एनटीपीसी के लिए बनाई है आप लोगों के लिए। क्या मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्या हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी से आपका सिलेक्शन CBT 1 क्लियर हो सकता है, वो सब हम बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो CBT 1 है वो आपका जुलाई के लास्ट वीक में होने के चांस हैं। जुलाई का जो लास्ट सप्ताह है तब आपका CBT 1 होने के चांस हैं। ठीक है, CBT 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। इसका मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको समय की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब समय आपका कम नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत आसान है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में देखोगे आप तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जैसे मैं NTPC के 2015 के पेपर की बात करूं तब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का था, तो आप समझ सकते हैं कि आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स में समय की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ने वाली है। 100 क्वेश्चंस को अगर मैं ब्रेक करूं, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट प्लान बताऊंगा कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनकी तैयारी अभी मीडियम लेवल पे है, हाई लेवल पे नहीं है, या फिर अभी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं। GS की बात करूं मैं आपके सामने तो 40 प्रश्न होंगे आपके, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 30 प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो 30 प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, इस तरह से आपका रहने वाला है। अगर मैं GS की बात करूं सबसे पहले, अगर मैं सबसे पहले आपका GS की बात करूं, चलिए यहां आ जाइए, हम बात करेंगे कि हम GS में 40 क्वेश्चंस पर कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप सबके सामने आएगा साइंस, विज्ञान। साइंस से मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, साइंस से होंगे। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको साइंस पढ़ना होगा। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से बुक मिलेगी, कौन सी PDF होगी, टेलीग्राम का लिंक, सब कुछ मैं आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहिए। साइंस, उसके बाद मैं बात करूँगा करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं क्लियरली, किसी में 7 थे, किसी में 8 थे। ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी आपका RRB JEE का पेपर हो चुका है। रेलवे ने कंडक्ट करा लिया RRB JEE, ठीक है। उससे पहले रेलवे ने RRB ALP का पेपर भी अपना कंडक्ट करा लिया, तो अब बारी है किसकी, NTPC RRB NTPC, जो आपका फोकस एरिया है। तो NTPC करने के लिए हम उसी के बेसिस पे चलेंगे ना जो अभी तक होता आ रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद आपको मिसलिनियस पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर के GS के क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। प्रीवियस पेपर के GS के क्वेश्चन पे फोकस करना है। मिसलिनियस मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन आते हैं। मिसलिनियस में क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जैसे भारत में प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई, भारत में सबसे पहले आदमी जो अंतरिक्ष में गए, या फिर भारत का पहला यान का नाम क्या है जो मंगल ग्रह पे गया, मतलब इंडिया में फर्स्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आजकल वुमेन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में कि फर्स्ट वुमेन, SSC CGL के प्रीलिम्स में आया था कि फर्स्ट हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है उसकी फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थी, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाई कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थी, मतलब कौन वुमेन थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिसलिनियस में आते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, ये तो हल्के हल्के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ से पढ़ोगे आप, तो ल्यूसेंट एक किताब आती है सबको पता है 100%, ये हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों की PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। या ऑलरेडी प्रोवाइड भी कराई हुई है मैंने, आप बस क्या करना है आपको, सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करना है आपको, t.my/selectionmentor, या फिर टेलीग्राम पे जाके सिलेक्शन मेंटर सर्च करके आप टेलीग्राम पे चले जाएंगे हमारे। डेडिकेटेडली रेलवे के फोकस करते हुए यहाँ पे ल्यूसेंट की बुक्स मैंने प्रोवाइड की है हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद एक स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ठीक है, वो भी है इंग्लिश और हिंदी में, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, जाके आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। प्रीवियस पेपर पे कैसे फोकस करें, तो प्रीवियस पेपर की PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, वो भी टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराऊंगा बेसिकली। तो आप जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाएं जिससे हम आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। तो ये तो बात की मैंने GS की, इसके लिए GS के लिए और क्या करना है आपको, GS के लिए ऑलरेडी हम वन लाइनर के क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं,
वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके हैं वीडियोस। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, रेलवे के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस की, मैथ्स की, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। मैथ्स में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, और क्या टाइम टेबल होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो जीएस की यहाँ पे मैंने बात की, और करंट अफेयर्स के लिए हमने ऑलरेडी करंट अफेयर की वीडियो चल रही है जिसमें डिंपल शर्मा मैम डेली 10 से 15 क्वेश्चन, डेली 10 से 15 क्वेश्चन विद पीडीएफ, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होते हैं, उसकी पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन, और क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, पैरेलल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको कराए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पे आप फोकस कर सकते हैं, साइंस मिसलिनियस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इतनी तो बात हो गई जीएस की। अब जीएस में आप कहेंगे, सर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी क्यों नहीं बताया? तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो है, आप अब समय नहीं बचा है कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी डीप में पढ़ें। जितना पढ़ा हुआ है, आपके नोट्स बने हुए, उन नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगली चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो मैंने बताया आपको उस पर फोकस करना है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। उसके बाद मैं आपसे मैथ्स की बात करता हूँ, ठीक है। मैथ्स के टाइम टेबल के लिए अगली वीडियो बहुत जल्द मैं बनाऊंगा कि मैथ्स में क्या कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने क्या क्या कर रहा हूँ आपके लिए, बेस्ट 100 क्वेश्चंस के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है, बेस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें पार्ट 4 आ चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में 5 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 में 5 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 में 5 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 में 5 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा चुका हूं विद बेस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। बेस्ट 100 क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट करें, वो प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डेली ये 5 क्वेश्चन जब आप मेरे साथ करेंगे, तो अगले आने वाले समय में बेस्ट 100 नहीं, बेस्ट 500 क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत चूज करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के मैं 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मिसलिनियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो आई होप कि आपको वो सीरीज समझ में आ रही होगी। उसके अलावा मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाइए, एनटीपीसी की क्लासेस ले रखी हैं, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, पूरा नंबर सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है, वो आप देख लीजिए। और उसके अलावा टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 1-2 मैंने कराया हुआ, आप देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। जैसा कि हमने पहले FCI एग्ज़ाम पे पूरी तरीके से फोकस किया था, बच्चों के बहुत अच्छे से मार्क्स भी आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो मैं उम्मीद करूँगा रेलवे पे हम उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग के लिए बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत खासकर है नहीं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम रीजनिंग की भी क्लास आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है, लेकिन रीजनिंग के लिए फैकल्टी हमारे पास नहीं है, और फैकल्टी लाने के लिए डेफिनेटली हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, बट दूसरी फैकल्टी के लिए कुछ पे करना होता है। उस सब के लिए मैं आपको अपील करूंगा कि हमारा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप चाहे तो कर सकते हैं, जिससे क्लासेज आपकी बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो सके। तो हमारा वॉलंटरी फंड के लिए एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 7599216113। इस नंबर पे आप वॉलेंट्रली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे 20 रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, 200 रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़ हैं, कितना भी आप कंट्रीब्यूट कर लीजिए इस नंबर पे। ये नंबर सभी जगह अवेलेबल है, गूगल पे पे, ठीक है, फ़ोन पे, पेटीएम, ठीक है, तो सभी जगह ये नंबर अवेलेबल है, पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, ठीक है। अदरवाइज आप जिस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस चाहे उस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप जो भी फंड है वो भेज सकते हैं, हमें अगर आपकी तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम किसी रीजनिंग फैकल्टी से अप्रोच करेंगे। फिलहाल हम जीएस की फैकल्टी को भी अप्रोच करेंगे, फिलहाल मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, उसके लिए शेड्यूल जो होगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके आगे मैं आपको कुछ बताऊं, ये सब चीज़ें साइड की होती हैं, सबसे पहले आपको खुद में विश्वास रखना है कि आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये खुद में बिलीव होना चाहिए आपका कि आपको CBT 1 निकालना है, उसके बाद CBT 2 भी निकालना है, उसके बाद जो भी आपके हर्डल्स आएंगे वो क्रैक करना है आपको। लेकिन उन सबसे पहले आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि खुद में विश्वास रखना है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत 100% से भी ऊपर वाले लेवल पे जाना है लेके, ठीक है। प्रिपरेशन आप करते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है, कमेंट है, आप मुझे बताइए, हम उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, बिल्कुल आपके लिए हम एकदम तत्पर हैं। आपको सिर्फ ये करना है, आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंपलसेशन नहीं है कि आपको कंट्रीब्यूट करना है, इट्स अप टू यू कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम फ्री में पढ़ा सकते हैं लेकिन बाकी फैकल्टीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है फ्री में पढ़ाना। ठीक है, मैंने आप लोगों को मैथ्स का जीएस का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया। जीएस में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो मैंने बताया उस पर ध्यान से रखिए। मैथमेटिक्स पूरा मैं कवर कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा, और रीजनिंग भी आगे आई थिंक कि हम कराने की कोशिश यहाँ पे पूरी करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज़ योर 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।